नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2022 के बाद जब साउथ अफ्रीका की सीरीज शुरू हो रही है तो इस सीरीज में सबसे पहले केएल राहुल को कप्तान बनाया गया था, ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया था। लेकिन केएल राहुल के चोटिल होने के बाद, जब से केएल राहुल बाहर हुए हैं, उनके बाहर होने के बाद ऋषभ पंत को कप्तान बना दिया गया है और अब हार्दिक पांड्या को कप्तानी की जिम्मेदारी दे दी गई है। जिसके बाद जो तमाम क्रिकेट फैंस हैं, हार्दिक पांड्या के फैंस हैं, वो खुश हैं। उन्हें भरोसा पहले भी था कि हार्दिक पांड्या कप्तान बनेंगे, लेकिन ऋषभ पंत को प्राथमिकता दी गई है हार्दिक पांड्या के ऊपर। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या को कप्तान उपकप्तान बनाया गया है तो जाहिर तौर पर टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या के ऊपर भरोसा जता रहा है भविष्य के तौर पर, क्योंकि हार्दिक पांड्या को ये जिम्मेदारी पहली बार दी गई है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हार्दिक पांड्या के ऊपर मैनेजमेंट भविष्य के तौर पर उम्मीद जता रहा है, भरोसा जता रहा है। और अब हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने के बाद बहुत बड़ा बयान दिग्गजों के आ रहे हैं, और अब हार्दिक पांड्या को लेकर इरफान पठान का भी बयान आया है। इरफान पठान का कहना है कि हार्दिक पांड्या ने टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं, टीम मैनेजमेंट के लिए कई सारे रास्ते खोल दिए हैं। सबसे पहला रास्ता बल्लेबाज के तौर पर, बेहतर बल्लेबाज हैं और हार्दिक पांड्या जिस तरीके से आईपीएल 2022 में बल्लेबाजी की है वो टीम मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बेहतर विकल्प है। उसके बाद में गेंदबाज के तौर पर, ऑलराउंडर के तौर पर जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने किया है वो बेहतर था, और अब कप्तान के तौर पर भी हार्दिक पांड्या ने टीम मैनेजमेंट के लिए दरवाजे खोल दिए, विकल्प खोल दिए हैं। अब मैनेजमेंट को कप्तान खोजने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो रहा है तो आपके पास हार्दिक पांड्या जैसा विकल्प आपकी टीम में मौजूद है जो बेहतर करके दिखा सकता है, जिसने बेहतर करके दिखाया है। इसलिए इरफान पठान का कहना है कि हार्दिक पांड्या ने टीम मैनेजमेंट को बहुत सारे विकल्प दे दिए हैं, जिन विकल्प से टीम इंडिया आगे का सफर बेहतर तरीके से तय कर सकती है। सुनहरा भविष्य टीम इंडिया का माना जा रहा है हार्दिक पांड्या। एक खिलाड़ी ने कई सारे परेशानियां टीम इंडिया की दूर कर दी हैं। तो आपका इरफान पठान के इस बयान को लेकर क्या कहना है कि आपको लगता है वास्तव में आईपीएल 2022 में जिस तरीके से हार्दिक का किरदार रहा है, उस किरदार ने टीम मैनेजमेंट की बहुत सारी परेशानियों को दूर किया है? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।